फ्रेश और हम रोहित। तो यहाँ पे विक्रमगंज के प्रखंड में गुलजार बाग के अंतर्गत कुछ बैठक रखा गया जो माले के सदस्य लोग हैं, आइए उनसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। बाबा सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम पड़ता है राजेंद्र सिंह जी। तो आप बाबा इसमें लिखे हैं कि मतलब हमारा सदस्य जो पूरा तरह से कार्यभार मतलब सदस्य को दे रहा है, तो ये बताइए कि आप किस तरह से दलितों को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ का अगर रिपोर्ट आप पूछेंगे तो इस प्रखंड के ये मनसूदा एक तरह से रिपोर्ट जो है, राजनीतिक रिपोर्ट जो है, और रिपोर्ट को अभी बुलाया गया है और रिपोर्ट पर कुछ और करके सम्मेलन जो किया जा रहा है। यहाँ के हमारे सचिव जो हैं कृष्णा मेहता, अब इस पर और जो भी कुछ कहना होगा प्रखंड के बारे में तो ये रखेंगे कि हम ये सम्मेलन करेंगे और नई कमेटी जो बनाएंगे तो हम दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, और हमारा यह क्या कार्यक्रम होगा, क्या संघर्ष होगा, विधिवत अभी हमारे साथी ये हैं। तो आइए कुछ और सदस्य हैं जो इनसे बात करना चाहते हैं। सर सर पहले आपसे क्या जानना चाहते हैं? सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप जैसे इसमें लिखे हैं कि हम दलितों पे हो रहे अत्याचार को सहयोग करेंगे, और सर इसमें लिखा गया है कि किसी के घर पे या बुलडोजर चलाने के संबंध में लिखा गया है, तो हाल ही में यही का घटना है जो दलित का घर था उसे तोड़ा गया, तो सर उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ जो दलित का घर तोड़ा गया, हमारे संगठन के बीच में, कमेटी के बीच में इस रिपोर्ट तो नहीं अभी तक आया है जी। लगता है कोई साथी के पास आया हो, लेकिन हमारे कमेटी के अंदर यह रिपोर्ट आता तो हम निश्चित तौर पर उसके बारे में हम आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय करते हैं। आने वाले समय में सर अगर आपके उपलक्ष्य में कोई ऐसा कार्य होता है तो आप उस पर क्या बात मतलब रखना चाहेंगे? कैसा कार्य? मान लीजिए किसी के आप ही के अंतर्गत किसी दलित का घर तोड़ा गया तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम बड़ी से बड़ी जन गोलबंदी के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि पूरे विक्रमगंज में जन गोलबंदी हो और जहां भी गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है या बुलडोजर का काम चलाया जाता है सरकार का, उसके खिलाफ हम जन गोलबंदी के जरिए आंदोलन में कूदेंगे। अपनी शहादत देकर भी दलित गरीबों को घर को उजाड़ने से बचाने की कोशिश करेंगे, अगला कतार में खड़ा होंगे। यदि देश के गरीब दलित गरीब पसीना बहाता है तो हमारी पार्टी के एक एक भी कार्यकर्ता अपने खून बहाकर कुर्बानी देकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। अच्छा बताइए कि जो दिल्ली में संविधान को जलाया गया था आपकी पार्टी उसमें क्या की? हमारी पार्टी ने इसका निंदा किया, भ्रत्सना किया कि ये जो बाबा साहब का जो संविधान, आपने आंदोलन किया? जी आंदोलन किया, आज भी हमारा आंदोलन जारी है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम 75वीं आजादी दिवस के अवसर पर हम मार्च निकालकर हम संविधान बचाओ, देश बचाओ, 1942 के शहीदों को, अरमानों को भारत बनाओ, इन सवालों पर दलित गरीबों के बीच में रोड पर मार्च निकाल कर हम संविधान बचाने के लिए आंदोलनरत हैं, आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, हम करते रहेंगे जब तक कि जय हिंद जय भारत। इसका कट्टर विरोधी हैं हम, मनुस्मृति संविधान को हम फिर से, हमारा जो संविधान है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिए हैं, इस संविधान में पूरा जनहित के लिए, पूरा दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो अधिकार निहित किया गया है, छुआछूत का भेदभाव मिटाने की कोशिश की गई है, वही मनुस्मृति संविधान लानकर यहाँ पर फिर से भारत पर दलितों के ऊपर फिर से एक बोझ थोपना चाह रहा है कि भाई जब दलितों को गाड़ा हाँ माने इसी में डांड में झाड़ू लटकेगा, गर्दन में मटका लटकेगा, उनको चलने के लिए परछाई देखा जाएगा, समय फिक्स किया जाएगा, हम इसका घोर विरोधी हैं। और भाकपा माले रोहतास जिला का पूरा हिंदुस्तान के अंदर मनुस्मृति संविधान को किसी भी कीमत पर अपनी कुर्बानियों को देकर इसको लागू करने नहीं दिया जाएगा, और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए अभी देश के अंदर अमृत उत्सव के नाम, महोत्सव के नाम पर दलित गरीबों के लिए ठगा जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि ये जो आजादी का ढोंग करने वाले लोग हैं, जो अंग्रेजों के दलाली किया है, आजादी में इनका कोई भूमिका नहीं रही है, आज वो अमृत उत्सव के नाम पर, 75वीं आजादी दिवस के नाम पर उन्होंने गरीबों को ठगने के काम किया। उसके पार्लर में भाकपा माले ने पूरा हिंदुस्तान के तमाम
दलित महलों में तमाम अपने कार्यालयों पर तिरंगा झंडा को सम्मान किया कि जो 1942 में जो शहीद होकर हमारे देश के स्वतंत्रता दिलवाए उनको याद में हमने भी इस अधी अधूरी जो भी आज़ादी मिली है, जो हमारा अधिकार छीना जा रहा है, जो संविधान मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारी लोकतांत्रिक अधिकारों पर जो हनन की जा रही है, इसको खिलाफ में हमने पूरा मनुस्मृति संविधान को खत्म करने के लिए हम भी झंडा फहरा कर शपथ लिए हैं कि जिस कभी भी हम इस संविधान को मिटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जितनी भी कुर्बानियां देने पड़ी, हमारी पार्टी के जितने भी आगे कदम साथियों का कुर्बानी देना पड़ेगा, हम इस संविधान को बचाएंगे। और जहां तक सवाल है जल जीवन हरियाली के नाम पर, बलडोजर के नाम पर दलित गरीबों को जो घर को तोड़ा जा रहा है, हम अपनी शहादत देकर भी दलित गरीबों को घर को उजाड़ने से बचाने की कोशिश करेंगे, अगला कतार में खड़ा होंगे। यदि देश के गरीब दलित गरीब पसीना बहाता है तो हमारी पार्टी के एक एक भी कार्यकर्ता अपने खून बहाकर कुर्बानी देकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। मैं मनुस्मृति के बारे में कुछ लिखा है, क्या है मनुस्मृति? देखिए, मनुस्मृति पुरान एक विचारधारा है जिसको लोग पुराने जमाने से, अभी तो हम लोगों ने उस मनुस्मृति को नकार दिया है। क्यों नकार दिया? क्योंकि मनुस्मृति में बहुत बड़ी बुराइयां हैं, बहुत उसमें खामियां हैं, उस पर खास करके दलित वर्गों पर एक तरह से कुठाराघात किया गया है, इसीलिए हम लोग उस मनुस्मृति को नकार रहे हैं। जी हाँ, आखिर उसमें क्या ऐसा विशेष है कि जो आप उसको नकारते हैं? कुछ विशेषताएं बताइए, प्रस्तुत कीजिए। आप देखिए, जैसे ढोल गंवार सूत्र पर सुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अब उसमें है कि महिला को अपने से नीच वर्ग को, यहाँ तक कि दलित समुदाय को यदि वेदों का पाठ सुन लेता है तो उसके कान में शीशे के जैसे पदार्थ का घोल तैयार करके कान में डालने की जो परंपरा रही है पुराने जमाने में, मनुस्मृति में जो दिया हुआ है, ऐसे सारे कार्यों का हम लोग विरोध करते हैं। तो आइए, अब हम किसी और से जानना चाहते हैं। अच्छा, पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। हम भाकपा माले, रोहतास जिला सचिव, नंद किशोर पासवान जी। तो हाल ही का एक राजस्थान में घटना है कि जो एक छोटी बच्ची थी दलित की, 9 साल की, जिसे मटके का पानी छूने पर उसे मार दिया गया, तो स्वर्णों द्वारा अत्याचार किया गया। तो आप इसके इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें मैं इस विषय पर कहना चाहते हैं कि ये मनुवादी जो विचारधारा है जी, स्वर्ण समंती शक्तियों द्वारा जो मनुवादी विचारधारा को मानते हैं, एक मटका को पानी छू लेने से स्वर्ण जाति का जो टीचर था दलित बच्चों को पीटते पीटते मार दिया जी। तो ये साफ जाहिर होता है कि देश के अंदर जो फिर से दलितों के ऊपर जो पूर्वज में हम लोगों को कहते थे कि माने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जो आरएसएस की जो मानसिकता थी, वही मानसिकता फिर से दर्शा रहा है कि फिर से गरीबों को पढ़ने के, गरीबों को छूने के लिए, पानी पीने के लिए छुआछूत का भेदभाव बढ़ गया है। तो हम इसका कट्टर विरोधी हैं। हम मनुस्मृति संविधान को, हम फिर से हमारा जो संविधान है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिए हैं, इस संविधान में पूरा जनहित के लिए, पूरा दलितों